फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल कविता हार्डवेयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं लाइक में तो मैं आप लोगों के लाइव में एक और न्यू वीडियो। तो फ्रेंड ये वीडियो मेरे ब्लॉग में न्यू है तो प्लीज़ इसको फुल वॉच करना। ये है लेडीज के लिए तो यहाँ पे मैं बताऊँगी आप लोगों को जैसे आप लोगों का मांग टीका छोटा पड़ जाता है तो आप लोग इसे लंबा करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो तो मैं बताऊंगी आपको फुल डिटेल और हेयर स्टाइल भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है चलो चलते हैं। तो ये है मेरा देखो कितना छोटा मांग टीका था मैं यहाँ पे लगाऊंगी देखो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है तो दिखेगा सारे के सारा खाली मतलब अलग ही तो गंदा लगता है ऐसे दिखने में ना। तो फ्रेंड चलो चलते हैं इसकी एक न्यू ट्रिक लेके आई हूँ मैं। ठीक है यहाँ पे ना अपने हेयर कर लेने हैं आपने ये ना पार्ट निकाल लेने हैं ये दो आगे के। ठीक है इनको ऐसे निकाल देना है ये निकाल दिए मैंने तो इनको कर लेने हैं ऊपर। तो यहाँ देखो मैंने जैसे यहाँ पे अपना जूड़ा बना दिया है तो यहाँ पे मैं इस टाइम कुछ लगा दूंगी इन बालों में एडजस्ट करने के लिए भी आप लोगों को दिखाने के लिए। फ्रेंड मेरा झूलापन का तैयार है फ्रेंड तो देख सकते हो आप लोग मैं यहाँ पे लगाऊंगी छोटी सी क्लिप होती है वो लगा लूँगी एक क्लिप लगाई मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने मांग टीका ले ली है इसको लॉक नहीं कर दिया है देखो मैंने मांग टीका ले लिया मैं इसे ऐसे सेट कर दूँगी आप लोगों को सीधा ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है ये गलती मत करना आप लोगों की नहीं तो मैं पहले अपनी हेयर स्टाइल कर लेती हूँ ये मांग टीका बीच की मांग निकल गई तो आ जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को ना सिंपल स्टाइल बता रही हूँ जो आप लोग खुद से कर सकते हो। देखो ये लेना है आप लोगों को ये रोल कर देना है थोड़ा। ठीक है ऐसे रोल करके ये दूसरी लिया ले तो अब इसको भी ऐसे थोड़ा इसे घुमा लेना है आप लोगों को इसे रोल करना है अपने हाथों से। तो ये देखो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं ना इसके आप लोगों को ऐसे दिखेंगे। ठीक है और बहुत अच्छी हेयर स्टाइल लगती है ये साड़ी में सूट में भी कर सकते हो वैसे आप ये सूट में बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो ये आप लोगों को रोल कर देना है आप लोगों को रोल रोल कर करके लिए लेनी है। ठीक है और ना थोड़ा सा बाल छोड़ देना है आप लोगों को इससे क्या होता है थोड़ा ना अच्छा लुक आता है खाली खाली इसका फेस नहीं लगता जैसे इसके बाल कम हो चेहरे पे मतलब तो इससे ना अच्छा लुक आता है। तो आप लोग चाहे तो ना इसको रोल वगैरह कर सकते हो फ्रेंड बालों को। ठीक है ये मैंने पीछे ले लिया है ऐसे मैंने घुमा दिया इन बालों को वहाँ पे सेट कर दिया पिनअप कर दूँगी। ठीक है बाद में आप लोग पिनअप कर देना चूड़ा पिन वगैरह से यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मैं इसी पार ऐसे ही दूँगी ये मैंने थोड़े से पार ले लिए है बालों के तो मैंने इसे ऐसे घुमा दूंगी यहाँ पे घुमा दी है। अब मैं दूसरी ले लूँगी इसको थोड़ा घुमा दूंगी एक हाथ से मैंने पहले वाली स्टेप पकड़ी है एंड दूसरे वाले से ये पकड़ रही हूँ मैं तो इसको भी रोल कर देना है आप लोगों को। तो फ्रेंड कोई नहीं बताएगा इतने सिंपल और इतने इसी तरीके से तो आप लोग प्लीज़ घर में ही खुद के बाल रेडी कर सकते हो भी 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट में ये हेयर स्टाइल फ्रेंड बन के तैयार हो जाती है आप लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है कि आप लोग पार्लर के चक्कर काटो। तो अगर आप लोगों के पास पार्लर का टाइम नहीं है तो खुद से भी आप लोग ये हेयर स्टाइल कर सकते हो फ्रेंड तो बहुत ही अच्छा लुक आता है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी फ्रेंड। इस ये रह गया हमारा जितने आपको बाल लेना उतनी लिए छोटी छोटी लेनी है आप लोगों को। ठीक है मैंने रोल कर दिया आप देख सकते हो। ठीक है मैं सीधा कैमरे पे ही फोकस है मेरा और मैं ध्यान कहीं नहीं है मैंने इसे ऐसे रोल कर लिया पीछे से और मैं इसे बाद में पिनअप कर लूँगी फ्रेंड। यहाँ पे देखो मेरे हेयर स्टाइल बनकर तैयार हो चुकी है तो देख सकते हो मेरी हेयर स्टाइल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड बताना आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैंने ना आप लोगों के जूड़ा बन होता है ना वो ले सकते हो आप लोग तो उससे क्या होता है अच्छा डेकोरेट हो जाते हैं बाल जो आपके होते हैं बहुत अच्छा लुक आता है उससे। आप लोग वैसे रेडीमेड फूल भी ले सकते हो अपने बालों के लिए पिनअप करने के लिए फ्रेंड। ठीक है
तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे ना आप लोग ना ब्लैक कलर का थ्रेड लेना, ठीक है, धागा जिसे धागा बोलते हैं, तो ब्लैक कलर का ही लेना है आप लोगों, क्योंकि हमारे ब्लैक ही बाल होते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है। आप कोई भी मांग टिका हो तो ब्लैक अच्छा लगता है और पता भी नहीं चलता आपने क्या लगा रखा है क्या नहीं लगा रखा है फ्रेंड, ठीक है। ये ट्रिक ना कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, पार्लर वाले ऐसे ही करते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखो मैंने ले लिया ना, यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखो मेरा मांग टीका सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, इसका लॉक सही करना पड़ेगा एक बार, इनके लॉक खुल जाते हैं तो आप लोग इन्हें ऐसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का ये लेना है आप लोगों को, यहाँ पे लगानी है आप लोगों को पिन, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को ना छोटी छोटी पिने लेनी है ब्लैक कलर की, तो जिससे आप लोगों के ना बाल को पता देना चले फ्रेंड कि आप लोगों ने मांग टिक्का, मतलब मांग टिक्का आप लोगों का लंबा हो सकता है इसे, और जैसे आप लोगों को नीचे करना है तो नीचे भी कर सकते हो, तो ईजिली आप लोग जैसा आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो फ्रेंड। तो देखना आप लोग, देखो 5 मिनट बनकर रेडी होगी मेरी हेयर स्टाइल। और आप लोगों को ना पता क्या करना है फ्रेंड, अगर आप लोगों को ना पहले ही हेयर स्टाइल बनाने से पहले आप लोगों को मांग टिक्का लगाना होता है, ठीक है फ्रेंड, तो हमेशा याद रखना। अगर चलो ये नहीं कर रहे हो ना, आप क्या करो मैं बताती हूँ, अगर आप लोग भूल गए हो कि मांग टिक्का पहले लगाना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये मांग टिक्का लेना है नीचे, तो आप लोगों को ना ये जो ये हमारा थ्रेड होती है, ये थ्रेड लेनी है पीछे की साइड तक, देखो लंबा से लंबा टक करना है आप लोगों को, यहाँ पे पिनअप कर देनी है, यहाँ पे देखो मैंने पीछे पिनअप कर दिया है, तो पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को फ्रेंड, ठीक है, तो बहुत ईजीली हो कर सकते हो आप लोग ये, तो कोई नहीं बताएगा फ्रेंड। और 5 मिनट तैयार हो जाते हो बस, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और देख लो हेयर स्टाइल वगैरह बिल्कुल तैयार है, तो बताना आप लोग कमेंट करके कैसे। तो अगर ब्लैक थ्रेड लगाओगे ना तो पता नहीं चलेगा फ्रेंड कि आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, ठीक है, तो लंबा करने का ये बहुत आसान तरीका है अगर आप लोगों का मांग टिका छोटा पड़ता है तो फ्रेंड। और कोई और नहीं लगाना है, ब्लैक कलर का ही लगाना है। अगर यहाँ हेयर स्टाइल बना दिए तो देख सकते हो मेरे यहाँ पे मैंने चूड़ा में ये भी लगा दिया है गजरा, देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है इसका। तो आप लोग भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऐसी हेयर स्टाइल बना सकते हो, तो वो भी बिना पार्लर के और खुद से ही, किसी की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी फ्रेंड। ये देखो कितना अच्छे से उठा हुआ है मेरे लिए लेयर, देख लो हल्के हल्के हाथों से उठाना है आप लोगों को, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं उठाना है, ज़्यादा टाइट हाथों से उठाओगे तो जो लेयर है निकल भी सकती है आप लोगों, ठीक है, तो इसको हल्का हल्का ऐसा आप लोगों को ऐसे ऐसे कर लेना है जिससे आपके बाल फूले फूले लगे। और तो इसके लिए हेयर स्टाइलों के लिए हेयर स्प्रे आता है, तो आप लोग वो भी लगा सकते हो, उससे क्या हो जाते हैं आपके बाल जो सेट हो जाते हैं फ्रेंड, जैसे मेकअप फिक्सर आता है तो इसके लिए हेयर स्प्रे भी आता है, तो आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी भूलना। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, ठीक है, तो मैं आप लोगों को न्यू वीडियो लेके आते रहूँगी फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।